सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 323 केंद्रों पर 25,853 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 10,481 तथा दूसरी डोज लेने वालों में 15,853 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि मेडिकल कॉलेज, एम्स, महिला एवं पुरुष जिला अस्पताल सहित सीएससी, पीएससी सहित 323 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने सेंटरों पर जाकर वैक्सीनेशन कराएं तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। उन्होंने बताया कि पूरे जनपद में अभी तक 31,56,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें 23,36,000 लोगों को प्रथम डोज तथा 8,33,000 लोगों को दूसरी डोज लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सभी सेंटरों पर निशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील किया कि सुबह शाम मौसम में ठंड होने से लोगों में बुखार, बदन दर्द जैसी समस्या आ रही है, इसलिए ठंडक से बचे, सोते समय मच्छरदानी तथा फुल आस्तीन का कपड़ा पहने, घरों में पानी ना लगने दे ताकि डेंगू से बचाव कर सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 323 जगह पर टीकाकरण चल रहा है, जिसमें हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स, जिला अस्पताल, महिला पुरुष, संचारी रोग और अर्बन पीएससी, सभी अर्बन पीएससी पर, सभी रूरल पीएससी पर और हमारे सभी छोटे छोटे सेंटरों पर चल रहा है। सर, अभी तक पूरे जनपद में कितने टीकाकरण? अभी तक हमारे जनपद में कुल 31,56,000 से ज़्यादा का डोज लग गया है, उसमें 23,36,000 से ज़्यादा प्रथम डोज और 8,33,000 से ज़्यादा सेकेंड डोज लगा हुआ है। अभी हमें जहाँ भी 10,00,000 तक का वैक्सीनेशन हमें और करना है। पब्लिक से अपील है कि हमारे सेंटरों पर मुफ्त में टीकाकरण हो रहा है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक टीकाकरण चल रहा है। आप सभी लोग हमारे केंद्रों पर आएं और जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि कोरोना से मुक्ति मिल सके। सर, मौसम को देखते हुए बुजुर्गों और बच्चों में बुखार जैसे? हाँ, ये मौसम चेंज हो रहा है, इसमें सर्दी जुकाम बुखार होने के चांसेस रहते हैं और ये प्रकोप डेंगू का भी इस समय सीज़न है। अभी 10-15 दिन और सीज़न है डेंगू का। तो लोगों से हमारी अपील है कि एक तो मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ के इलाके में बिल्कुल ना जाएं, जिससे कि कोरोना के बचाव के साथ साथ कॉमन फीवर के भी बचाव हो जाएंगे और सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। डेंगू के बचाव के लिए घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। घर के अंदर अगर पानी किसी पात्र में इकट्ठा है, जैसे कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, इसके पीछे अगर थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको साफ़ कर दें। छतों पर ज़रूर देखें, छत पर कुछ पानी इकट्ठा रहता है जिसमें डेंगू के मच्छर पनपते हैं और वो दिन में काटते हैं। दिन में अगर आप सोते हैं तो मच्छरदानी लगा कर दिन में भी सोइए, रात में भी सोइए और फुल शर्ट पहनिए, जिससे कि कम जगह मिल पर मिल सके डेंगू मच्छर को काटने के लिए, जिससे हम बचाव कर सकें। और साथ साथ कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने को बचाएं और अपने ज़िले को भी बचाएं।